अगर कोई सामान खराब होता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसी बीच दिल्ली व भारत के विभिन्न राज्यों से खरीदा गया सामान बड़े बड़े गोदामों में पहुंचाया जाता है। भंडारे के दौरान 5,000 किलोग्राम सब्जियां इस्तेमाल होंगी, जो कि 10 लोगों की इंडियन फैमिली को 8 साल से ज्यादा तक खिलाने के लिए काफी है। यहाँ स्टोर किया जाता है 40,000 किलो चावल। पहला मुकदमा था 144 तोड़ना, दूसरा था जो
राज्य का जो कानून का पालन ना करना, तीसरा पुलिस पे जान लेवा हमला करना और जमरण संगत को इकट्ठे करके रखना, उनका हम लोग बेगुनाह साबित हुए। संत रामपाल जी महाराज आज समाज सेवा का बहुत बड़ा मिशन लेके बैठे हैं। कोई भी बेटी पैदा होती किसी भी बात के उसके पहले दिन से उसके बेचारे टेंशन था। आप मेरे आप देखोगे ना कितनी सारे होर्डिंग लगाए, राजस्थान में हजारों शादियां, हिंदुस्तान में लाखों शादियां 17 मिनट के अंदर, 17 मिनट के अंदर बिना कोई दहेज के देश ले नहीं सकता, न दे सकता है। सेम कपड़ों जिस कपड़ों में आप हैं दूसरी कपड़े में हम लोग बेचते हैं, 17 मिनट में शादी, क्या बात है, क्या सरकार चलेगी? बेटी बचाओ बेटी बनाओ का जो असली मकसद है रामपाल जी आज करें। दूसरा मैं आपको चैनल माध्यम से बात करता हूँ, आपको बोलते हैं बाबा रामपाल, बाबा रामपाल देखो रामपाल जी को देखो, ना कोई हार है ना कोई जगह बढ़ी हुई है, सिंपल ड्रेस में रहते हैं, जैसे शर्ट पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, जूते चप्पल पहन लिया, यदि बाबा बाबा है सभी बाबा है, आप भी बाबा मैं भी बाबा, ये क्या बात है? संत को परम संत को यूपी आडम्बरों की जरूरत नहीं होती है, आप तीन साल लोगों को तकलीफ नहीं है, सच सच्ची ये बोले आपको पता है, ईसा गिर जाइए आगे आगे अनुयायी जो देवी में तेजी थे, भयंकर तेजी थे, जो बहुत जुल्म करके आए थे वो आज अनुयायी बन गए। भाजपा की सरकार के संतों के आरोप लग रहे हैं, क्या सर भाजपा की सरकार का जो एजेंडा कुछ अलग ही है, भाजपा सरकार चाहती संतों को नामो निशान खत्म हो जाए, उनका हिंदुत्व एजेंडा प्रभावी हो जाए। संत रामपाल जी बात क्या बोलते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई कमी नहीं है ना, हमारे पता है आपको अनुयायी नॉट ओनली हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे अनुयायी है, अब चेक करो पाकिस्तान में कट्टा प्रतिशत जी 25,000 अनुयायी हो गए, अब चेक करो मुसलमान नाम दे रहे हैं, ये क्या हुआ? और दूसरा संत रामपाल जी महाराज का युवा लोकतंत्र सभा होता है, बंदी छोड़ो
पीछे बैठ जाए यार। आप देख रहे हैं जयपुर से लाइव 18 नवंबर 2014 को संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के ऊपर हमला हुआ था और उसको आज 3 साल होने को जा रहे हैं। उसी उपलक्ष में संत रामपाल जी के अनुयायी काला दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और राजस्थान के दूर दूर जिलों से ये आए भगत एक ही डिमांड कर रहे हैं कि झूठे केस जो लगाए वो वापस ले। Thank you.